हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। बहुत ही स्वागत है आप लोगों का। अभी हो रहा है रात का 1:15 एंड आज सुबह को 7:30 बजे, नहीं 7 बजे हम लोगों का ट्रेन है। हम लोगों का मींस मैं और मेरा कॉलीग लोगों का, मुझको छोड़कर अभी 4 कॉलीग मेरे साथ जाएंगे पूरी घूमने के लिए। लेकिन सिर्फ एक दिन ही का ट्रिप होगा, तो देखते हैं कितना मज़ा कर पाते हैं वहाँ पे जाके। तो मिलते हैं सुबह यार, 5 बजे उठना है, वो भी थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि बहुत नाइट हो गया। अभी देखते हैं नींद आता है या नहीं, और वीकेंड है तो चलते हैं यार, मस्ती कर लेते हैं। इट्स 5:15 गाइस एंड हम लोगों का जो नींद है, नींद पूरी पूरी किल कर चुका है। एंड तीनों बंदे गया है बाथरूम नहाने के लिए, अभी मैं जाऊंगा नहाने एंड आके फट से रेडी हो जाऊंगा। Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, now I see I'm not different from the rest. So guys, हम लोग अभी निकल चुके हैं यहाँ से एंड जा रहे हैं ट्रेन के लिए। लेट हो गए हैं क्योंकि एक जने का कुछ दिक्कत आ गया था पेट में, तो जाना पड़ा वॉशरूम। सो अभी लेट्स गो, भागना पड़ेगा अभी, क्या पता ट्रेन पकड़ सकूँगा या नहीं। मैं तो जा रहा हूँ, तो एक बार बोल देता हूँ। शाहिल, चाबी नहीं है? अरे मेरे बैग के अंदर है यार। तेरा कहाँ है? You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Now I'm lost and I'm afraid, and I'm close to hit the ground. You said I'd fly away. So let's handle it. मैं आ गया एंड बहुत पक्के बस पकड़ा है। सो देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। हम लोगों का जो कोच है वो है D1 एंड 13, 14, 15 शायद और भी दो है। तो अभी आ गए हैं कोच के यहाँ, अब ट्रेन पे उठ जाएंगे। सो गाइस, अभी हम लोग उतर चुके हैं पूरी स्टेशन पे एंड मेरा जो कॉलीग लोग है वो उसमें से कुछ लोग सो गया था, मैं भी सो गया था ऑब्वियसली क्योंकि बहुत नींद आ रहा था, सुबह उठे थे इसलिए। सो अभी एक तो टोटो करेंगे एंड टोटो करने के बाद जाएंगे उधर, देखते हैं। पहले पूजा दे देंगे जगन्नाथ मंदिर जाके, फिर बीच पे जाएंगे। सो लेट्स गो। और गाइस, मैं मुलाकात करवाना चाहता हूँ और एक मेरे कॉलीग से। तो ये है रुस्तम। हाय फ्रेंड्स, तो यू आर फ्रॉम उत्तराखंड? यस। ओके, सो और आप बाकी सभी को तो आप लोग पहचानते ही हो। सभी हम लोग जा रहे हैं ऑटो से एंड ये दो बंदा अभी झूल रहा है लिटरली। क्या बताओ यार, मतलब इतना मगजमारी हो गया। टेम्पल में जा रहे हैं हम लोग, जगन्नाथ टेम्पल में, एंड वहाँ पे जाके पूजा देना है। उसके बाद बीच पे जाएंगे। नेट में अभी देखा मैप पे एक गोल्डन बीच करके कुछ है, तो गोल्डन बीच आई थिंक जाएंगे पैदल वहाँ से, एकदम सीधा एक ही रास्ता है। फिर से आ जाऊँगा। अभी जो दर्शन है वो हो चुका है कंप्लीट। आप यहाँ पे देख सकते हो जो मंदिर है, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। मैं आप लोगों को फुल स्क्रीन में दिखाता हूँ। हम लोगों का पूजा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बाहर निकल आ गया हूँ निकल के एंड अभी हो रहा है
12:30। सो अभी जाएंगे बीच में, थोड़ा सा देख लेंगे, अभी यहाँ पे फोटोशूट करेंगे हम सभी लोग। सो लेट्स गो। Searching for that open door. Show me proof that there is something more. I just hope I am okay with the choices I make. Maybe then I'll understand. अभी खाना हो चुका है कंप्लीट। आज रोटी और सब्जी खाया। हम लोग थोड़ा थोड़ा टायर्ड लग रहा है। एंड ये वो मट्ठा थोड़ा सा ले लिया हूँ, बाद में पीऊँगा। तो अभी पैदल जा रहा हूँ बीच पे। पता नहीं यार ये एड्रेस वगैरह कहाँ चेंज करूँगा, अभी देखना पड़ेगा, कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। बाकी सब सही है, चलो। सो गाइस बहुत धूप है इधर एंड हम लोग सी बीच के सामने आ गए हैं। सामने समुद्र है एंड दिस इज द व्यू। Wow, the sound of the sea is good. It's called white sound. Mama said you're meant to burn as bright as a star.
You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Now I'm lost and I'm afraid, and I'm close to hit the ground. You said I'd fly away. You said I'd fly anyway, but I keep on falling. मेरा भी कोई ले लो पानी गुजरे क्या? हाँ नहीं लग रहा है। हाँ गुस्सा है क्या? फिर मुश्किल है, फिर पानी में डालना नहीं पड़ेगा। क्या बता, ज़्यादा प्रेशर से लाट आ रही ना बाहर से। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा ख़रीदारी करने के लिए, एंड मेरे साथ शाहिल और अनुराग जा रहा है, एंड जल्दी से जाके छत से लेके आ जाएगी क्योंकि 6 बज चुके हैं। हम लोगों का जो ट्रेन है वो है 7 बजे, एंड थोड़ा सा शिद्दत कर रहा है लेकिन सही है यार, बहुत मज़ा किया। आप लोग देखे हो वीडियो पर, एंड अभी अगर कुछ अच्छा सा पसंद आ गया ठीक दाम पर ऑब्वियसली तो मज़ा आ जाएगा यार। लेकिन फिर कभी आएंगे, नाइट का जो समुद्र का सीन है वो देख लेंगे। लोग देख सकते हो बीच कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना खूबसूरत, जस्ट वाव। वहाँ पे सनसेट हो गया है, एंड गाइस मेरे जो फ़ोन है फ़ोन पे पानी भी गिर गया था, सो थोड़ी देर बाद मैं जो वीडियो है वो करना बंद कर दिया था। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा खूबसूरत मार्केट है। सो गाइस खरीदारी हो गया ख़त्म, एंड केशव अभी फ़ोन करके बहुत झाड़ेगा क्योंकि टाइम हो गया है और बंदा टाइम का पक्का है एकदम। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं पूरी स्टेशन, एंड यहाँ से पकड़ लेंगे यार 8। आप देखो उधर 1842 अभी हो रहा है, एंड हम लोग अभी स्टेशन में एंट्री कर रहे हैं।